अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। किसान तो किसान है और इसके साथ साथ खेती है, जिनकी संख्या ज्यादा, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास खुद का अपना योजना जिसमें सीधा लाभ दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि के माध्यम से, किसान कल्याण निधि मध्य प्रदेश में देखा, ऐसे लाखों लाख किसानों को मध्य प्रदेश अकेले में 82 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में फायदा मिला है। कई करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ मिला है पूरे देश के अंदर, और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मध्य प्रदेश उसमें कभी पीछे नहीं रहा। मृदा के जितने परीक्षण हुए हैं उसके साथ फोटो हो जाए, मंडी में हम जा रहे हैं, मंडी में किसानों के फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो उसके साथ फोटो हो जाए, किसी को किसान सम्मान निधि यदि मिली है उसके प्रमाण पत्र सहित आने उसके खाते के सहित कोई फोटो वैसी हो जाए, तो ऐसे सब लाभ लेने वाले किसानों को, लाभार्थियों का सम्मान हमको करना, उत्कृष्ट किसानों का सम्मान हमको करना, कोई उत्कृष्ट नवाचार किसी किसान ने किया उसका सम्मान करना, वो अच्छा गौ पालक है उसका सम्मान करना, कुछ कोई ने नई गहराई थी खेती किसानी में पैदा करी उसका सम्मान हमको करना, और कोई ने अच्छे स्थान यदि प्राप्त किया तो उसका सम्मान भी हमको करना, और इन सब सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में जन प्रतिदिन बढ़ रहा, मेरा आप सबसे निवेदन है इन सब का प्रचार करते हुए, और इन सब की जैसे आज का कार्यक्रम हुआ आपसे निवेदन माननीय अध्यक्ष जी रिपोर्टिंग कार्यक्रम की होने चाहिए, आज इन पूरी सूचना कार्यालय में हमारे प्रदेश के कार्यालय में केंद्र के कार्यालय में जाने चाहिए पूरे जिलों में हमारा है, जिससे गांव गांव हमारी ये यात्रा आपके पास पत्रक भी सारी चीजें गांव गांव यात्रा एक दिन में 5 गांव हम करते हुए और उसको सफल बनाने का काम हम करेंगे पहली बात तो ये। दूसरा काम हर गांव में और अब इस यात्रा को हम कितने अच्छे से ले जा सकते ये आपको सिद्ध करने का समय, गांव गांव जाए, नमो ऐप को डाउनलोड हम सबको करना है, नमो ऐप के माध्यम से हम हमारी योजनाओं को प्रतिदिन सैनिक किसान आयोजित किया गया था, और क्या कहना चाहेंगे इसको लेके आप? आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ग्राम परिक्रमा यात्रा पूरे देश में एक साथ शुरू हो रही, जिसमें देश के 2 लाख गांव में और मध्य प्रदेश में 20,000 ग्रामों में, जिसमें हमारे जिले में आज जो कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से हम सब ने जो लक्ष्य लिया है और जो योजना बनाई है 750 ग्रामों में देवास जिले में और पूरे मध्य प्रदेश के 20,000 ग्रामों में यह यात्रा जाएगी, और गांव-गांव हम केंद्र और राज्य की योजनाओं को ले जाकर और आगामी 2024 के चुनाव में 29 की 29 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में किसान मोर्चा डलवाए। वैसे आज जो कार्यक्रम आयोजित था उसमें प्रधानमंत्री जी का और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी वर्चुअल भाषण सुना गया है, और उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का हम सबको मार्गदर्शन मिला है हम उसको जमीन में उतारने का काम करेंगे, और किसान मोर्चा ने हमेशा जो लक्ष्य लिया है उसको 100% किया है, इस बार भी हम बढ़ चढ़कर जो उत्कृष्ट किसान है उनका भी सम्मान करेंगे, जो नवाचार करने वाले लोग हैं उनका भी, गौपालक है उनका भी, और खेती में वहाँ के जितने भी संसाधन हैं उनकी पूजन अर्चन करके और हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे।